वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टार प्लस, जी टीवी, स्टार भारत, कलर्स चैनल के बारे में। इन चारों चैनलों में जंग छिड़ी हुई है एक तरीके से चैनल को नंबर वन बनाने के लिए। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, 9 से 10 का जो स्लॉट होता है प्राइम स्लॉट बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे लोग डिनर कर लेते हैं, डिनर करके टीवी के सामने एक घंटा देखते हैं और 10-10:30 बजे तक सोने की ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं। अभी के टाइम पे मैंने रैंडम देखा कि स्टार प्लस पे देवों का देव महादेव, उसके अलावा जी टीवी पे आपको आ रहा है आई थिंक विष्णु पुराण, उसके अलावा आपका कलर्स चैनल पे, स्टार भारत पे महाभारत आ रहा है, कलर्स पे जय श्री कृष्ण आ रहा है। यानी इन चारों चैनलों पर एक ही तरीके के शो डिवोशनल कंटेंट चल रहे हैं, तो सारे पे डिवोशनल कंटेंट चल रहे हैं। अगर रियलिटी शो से रिलेटेड कुछ दिखाया जा रहा है तो सब एक ही तरीके के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं ताकि व्यूवर्स को अपने तरफ आकर्षित किया जाए। इस सारा का सारा असर है लॉकडाउन। इन चारों चैनलों पे देखा जाए सारे पुराने सीरियल्स है, विष्णु पुराण हो या जय श्री कृष्ण हो या महाभारत हो या देवों का देव महादेव है, वही सीरियल्स है जो आपने बहुत पहले देख रखा है, उसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। इसी टाइम पर लोगों को कन्फ्यूज हो जाए कि कौन से सीरियल्स उनको देखना है। एक तरीके कैसा लग रहा है, जिस तरीके से एकेडमिक सेशन में होता है कि मैंने क्लास 10th कंप्लीट कर लिया तो क्लास 12 पढ़ना है, क्लास 12 कंप्लीट कर लिया तो ग्रेजुएशन करना है, उसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अगर रामायण खत्म कर लिया आपने तो महाभारत देखिए, महाभारत खत्म कर लिया तो जय श्री कृष्णा देखिए, अगर जय श्री कृष्णा खत्म कर लिया है तो आप विष्णु पुराण देखिए, अगर आपने विष्णु पुराण खत्म कर लिया है तो आप देवों का देव महादेव देखिए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्लास चल रहा है अपने आप में। इस लॉकडाउन के टाइम पर मुझे नहीं लगता है कि ये जो 2000 ईस्वी के बाद से जो बच्चे रामायण महाभारत विष्णु पुराण के बारे में जिनने सुना भी नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि अपने मैथोलॉजिकल अपने ग्रंथों के बारे में, अपने पुराने चीज़ों के बारे में देखने के लिए एक लॉकडाउन में चीज़ मिली। यहाँ पे मैं एक वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूँ और देखिए कौन से चैनल पे क्या क्या चल रहा है, कि सभी एंटरटेनमेंट कैटेगरी के चैनलों में किस तरीके से लड़ाई चल रही है अपने चैनल को नंबर वन बनाने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं 9:30 बज रहा है, देवों का देव महादेव स्टार प्लस चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा है। अगर यही बात अगर की जाए जीटीवी, तो जीटीवी पे अभी आपको विष्णु पुराण देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं जीटीवी पे। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कलर्स पे, तो कलर्स पे जय श्री कृष्णा सीरियल देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों। और स्टार भारत चैनल पे आपको महाभारत देखने को मिल रहा है। यानी कि कस्टमरों को टीआरपी बनाने के लिए अपने अपने चैनल्स को लोगों ने सारे डिवोशनल चैनल का सहारा लिया है, डिवोशनल कंटेंट का। यहाँ पे स्टार भारत पे जय महाभारत, कलर्स पे जय श्री कृष्णा, एन टीवी पे भाई भाभी जी घर पे हैं, जी टीवी पे विष्णु पुराण, और बात की जाए स्टार प्लस की तो स्टार प्लस पे देवों को देव महादेव। इन चारों हिंदी एंटरटेनमेंट कैटेगरी के जो चैनल्स हैं, इन सभी लोगों ने अपने चैनल के टीआरपी बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं डिवोशनल कंटेंट दिखा के। सोनी चैनल पे अभी नॉर्मल शो चल रहे हैं, बट स्टार प्लस पे देवों के देव और इसके अलावा जी टीवी पे विष्णु पुराण, नंबर 3rd पे है अपना कलश जय श्री कृष्णा आ रहा है, और नंबर 4th पे महाभारत आ रहा है स्टार भारत पे। तो ये लड़ाई चल रही है यहाँ पे चैनल वालों की कि किसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा हाई आती है। होप सो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।